तो क्या हुआ, जब तुम एक निठारी केस जैसे सेंसिटिव मुद्दे पे बात करो और उस पे मूवी बनाओ, कल्प्रिट है उनके बाहर निकलने के बाद बनाओ, तो तुम मूवी बनाओगे कैसे? तो ऐसी मूवी के डायरेक्टर हैं अपने सेक्टर 36 के डायरेक्टर, और उन्होंने ये मूवी कैसी बनाई है आज उस पर बात करेंगे। देखो मूवी के रिव्यू को स्टार्ट करते हैं जिस मूवी का नाम है सेक्टर 36। अब रिव्यू को आ जाओ। तो मूवी के लीड में अपने दीपक डोगरिया एज एक्टर, और कैसे काम किया है तो रामचरण पांडे उनके कैरेक्टर का नाम है, जो एक इंस्पेक्टर है एक ऐसी जगह का जहाँ पर बहुत ज्यादा किडनैपिंग होते हैं और बच्चे गायब हो जाते हैं और रिपोर्ट ही नहीं लिखते, क्योंकि यू नो करप्ट सिस्टम, यू नो यू आर द वन ऑफ दैट करप्ट सिस्टम। हाँ ऐसे ही सेम रामचरण के कैरेक्टर के साथ है मूवी में। मूवी में पूरी मूवी ज्यादातर तुम देखोगे तो इंस्पायर्ड है, मतलब वो सटीक ट्रुथ नहीं बोलती है, वो ऐसा लगता है कि वो खुद ही मूवी में कुछ ऐड करी गई चीजें जो कि रियलिटी में नहीं हुई होंगी, बट कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं मूवी में नहीं दिखाई। तो ऐसा है मूवी के साथ, मैं एंड में उस पर भी बात करूंगा, पर अभी मूवी के रिव्यू पे जो मेरी इस वीडियो पर सोल पर्पस है उस पर बात करते हैं मूवी के रिव्यू पे। तो हमारा जो रामचरण पांडे का कैरेक्टर है वो करप्टेड पुलिस वाला है, और शुरुआत में दिखाया जाता है कि वो एक लॉ में न्यूटन के सबसे ज़्यादा मानता है जो कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम वीडियो को स्किप मत करो, मैं समझाता हूँ, भाई को नॉलेज है भाई बताएगा, क्योंकि मेरे को फिजिक्स अच्छी लगती है, वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट करता है कि अगर तुम किसी चीज पे भी फोर्स लगाओगे तो वो तुम्हारे ऊपर उल्टा फोर्स लगाएगी। एनी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो यही लाइफ में भी हर जगह वो लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि जहाँ पे वो केस नहीं देखता है वहां उसको पैसा आ जाता है, तो ऐसे ही वो अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट करता है, मतलब ताकि रिपोर्ट भी ना लिखना पड़े, जो रिपोर्ट लिखवाने आता है उनको पैसा पकड़ा देता है, आ जाएगी आ जाएगी, दो तीन दिन में बच्ची वापस आ जाएगी, आप डर लो। ऐसे ही पुलिस चौकी का जो पूरा बोर्ड होता है इन्वेस्टिगेशन का, वो भर रहा होता है मिसिंग केसेस से, बट एक भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। क्यों नहीं लिखी गई है वो तो मैं पता है, क्योंकि जो बच्चे गायब हुए हैं वो निचले तबके से बिलोंग करते थे और निचले तबके की कोई नहीं सुनना चाहता। मूवी में जो परफॉर्मेंस है वो ऑन पॉइंट कह सकते हो तुम, कैरेक्टर्स के हिसाब से ऑन पॉइंट है। फर्स्ट सीन से ही ना विक्रांत में से अपना जादू जो है ना बिखेरना चालू करता है, मतलब नॉर्मली एक बंदा अपने कर्मों को लेके अनअपोलोजेटिकली रहते हुए वो सारे गुनाह कर रहा है जो कि उसको लगता है गुनाह ही नहीं है, ये तो नॉर्मल है ना। वो बच्चों को किडनैप करता है, उनको काटता है, उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको बेच देता है, और उस बीच में क्या क्या होता है वो मूवी में ही दिखाया है, और जो दिखाया है ना मैंने सिर्फ लुक के साथ विक्रांत में सीख ली, वो दिखाता है कि कितनी ब्रूटल चीजें हुई हैं इस केस से रिलेटेड। और मूवी में ना हमें दिखाया जाता है कितना डर्टी पास्ट है इस पूरे सिनेरियो से रिलेटेड, निर्धारित केस से रिलेटेड पर्टिकुलरली, कितनी सारी चीजें होती हैं, बट सच्चाई क्या है कि कभी इंसाफ नहीं मिलता क्योंकि तुम गरीब हो, ठीक है, और जो चीजें हैं वो तुम्हें पास से प्रेजेंट में भी लाएंगी। तुम अगर मूवी देख के उठोगे तुम्हें एक ना एक बार करेगा कि क्या केस है, मैं ऊपर से ऊपर रिव्यू कर लेता हूँ, क्या पता कल्प्रिट को क्या सजा मिली, मेरे को देख के खुशी हो जाए, बट तो मैं बताने में मेरे को गम होगा। जो वन ऑफ द मेन कल्प्रिट थे जो बंगले के मालिक हैं मूवी में दिखाया गया, वो बंदा अब खुलेआम में घूम रहा है, क्योंकि कोर्ट ने उसको ये कहकर रिलीज कर दिया कि एविडेंस उसके खिलाफ पूरे नहीं थे उसके जुर्म को साबित करने के लिए, देख लो। तो मूवी जो खुद के क्रिएटिव टेक्स लेती है स्टोरी के अंदर, जैसे कि वो रामलीला वाला सीन के इंस्पेक्टर होकर वो रावण बनता है, और फिर वो जो रावण उसके अंदर में निकलता है जब उससे, बट अगर कोई उस टाइम जब वो ड्यूटी छोड़ के रावण का रोल निभा रहा होता और जब उससे कोई बात करता कि मेरी बेटी को ढूंढो आपकी भी तो बेटी होगी, जब वो सुनता है आपकी भी तो बेटी के साथ हो सकता है, तो वो जो ट्रिगर करता है उसके अंदर का रावण वो जब आप इसे बाहर हो जाता है और वो बोलते बोलते स्टेज पर भी चला जाता है, वो समझ आता है कि उसके अंदर रावण है, जैसे कि हम सबके अंदर होता है, वो बस उसी की डिपिक्शन थी, बट जब रावण के ऊपर खुद आती है वो चीज़, जैसे कि वो बोला जाता है दो तीन मिनट पहले ही कि अगर ये आपकी बेटी के साथ हो, और जब वो देखता है अपने सामने होते हुए वो जो भागता है, वो जो इंटेंस चीज़ हो जाती है उसकी लाइफ में कि टेंशन बिल्ड कर देती है मूवी के, अब इसके साथ भी गलत हुआ तो अब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि तुमने मूवी जितनी देखी हुई उसमें ये होता है पहले बुरा कैरेक्टर होता है, बुरा कैरेक्टर को अच्छा बनाने के लिए पहले उसके साथ बुरा होना चाहिए, नहीं तो वो क्यों बन गया, वो राम थोड़ी है, वो रावण ही है। जैसे कि कितना सही पैरेलल ड्रॉ किया है रावण के बीच में, रावण और दीपक डोगरिया के कैरेक्टर में एक सिमिलैरिटी है, जब खुद की फैमिली पे आते हैं तभी जाके कुछ करने को तैयार होते हैं लोग, उसके बाद हम जैसे नॉर्मल बैठे हैं कुछ नहीं है, चल तो रहा है सिस्टम है भाई, तुम जैसे ऐसे ही बैठो सिस्टम है भाई, हो जाएगा ठीक, सिस्टम ठीक नहीं होगा, सिस्टम ऐसे ही बना है
कि इस तरीके से चलता रहेगा। बीज का कोई पुर्जा खराब होता है उसको निकालो फेंको, और जो बीज की जगह वेकेंट जगह है उसको किसी और को फिट कर दो, ताकि साइकिल या सिस्टम जो भी चल रहा है वो चलता रहे। और मूवी का तुम इंटेरोगेशन सीन है एक विक्रांत मैसी और दीपक डोबरियाल के कैरेक्टर के बीच में, वो जो इंटेंस चीज़ें हैं ना, जो एक्टिंग वहाँ दिखती है इंसान में, दोनों इंसान में, एक के नहीं कह रहा मैं, दोनों का जो इतना ब्यूटीफुली वो निकल गया है, तुम जब देखोगे तो विक्रांत मैसी अपने पागलपने को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो पागल है, वो दिखाता है उसके अंदर के साइको को कि वो कैसे बहुत नॉर्मली चीज़ों को बता रहा है, उसको शो देखना है, इसलिए वो जो भी है तुम उससे पूछोगे ना वो सब बताने में तैयार है, बस उसे जल्दी छोड़ो। और वो अपने गुनाह को गुनाह मानता भी नहीं है, वो सबको नीचे सोचता है अपने आप से, और वो अपने आप को एक ऐसा दरिंदा बना चुका है जो कि इसको लगता भी नहीं दरिंदा है, क्योंकि वो बताता है कि जैसे कि मेरे मामा ने मेरे साथ किया था, मैंने उसको बहुत बुरी तरीके से मारा, और फिर जो वो हंसी है और फिर वो जो उसके बाल संवारने वाला स्टाइल है बीच बीच में रुक के, और फिर वो एक दो बार भड़क भी जाता है किसके ऊपर, जो कि ब्लैक कलर का बंदा है, मतलब जो कि सीनियर ऑफिसर है उसके ऊपर, क्योंकि यू नो कलर डिफरेंस, इसकी वजह से इतना ज़्यादा जस्टिफाई कर लिया ना विक्रांत मैसी ने उस कैरेक्टर को, उस सिर्फ इंटेरोगेशन वाले सीन में शायद सही कर पाता कोई और। और उसके साथ साथ जो पैरेलल में चल रही होती है भाई, वो जो रामचरण पांडे की शक्ल होती है उस टाइम, तो उसकी शक्ल में वो गुस्सा देख सकते हो, जो उसको आ रहा है ये सारी बातें सुनने के बाद, जो वो ब्लैंक फेसेस के साथ बोल रहा है, उसे कोई गम नहीं है इन चीज़ों का जो उसने करा है आज तक, बट रामचरण को है, क्योंकि उसने इन सारे केसेस को ब्लैंक छोड़ रखा था, उसको लगा कि ये तो नॉर्मल चीज़ है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होगा, बट जब वो सुनता है कि उसके सामने हो रही थी ये चीज़ें, और एक कैरेक्टर तो वो बताता है स्पेसिफिकली कि आपने उसको पैसे दिए थे मैंने उसको भी उठाया, तब वो चीज़ें जो हिट कर रही होती है उसके हाथ बिल्कुल वो थे कि अभी ये रुके ना तो मैं उसको मुक्का मारूँ, वो उसकी शक्ल पे दिख रहा था कि कितना गुस्से में है वो। और एट लास्ट मूवी खुद के टेक्स लेती है स्टोरी के अंदर, और स्टोरी में लास्ट में दिखाया जाता है कि जो हमारा कैरेक्टर है रामचरण का, वो सिस्टम को सुधारने निकला था और सिस्टम ने उसी को इन्वॉल्व कर लिया अपने इस गुनाह के जंजाल में, और देयर इज नो गोइंग बैक, क्योंकि तुम बचे ही नहीं हो कम बैक करने के लिए, समझ लो। और मूवी यहाँ एंड हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे मूवी के साथ यही है कि वो इस मूवी को ना उठाते केस से रिलेटेड है कि ये केस है, बट एट द एंड लाते लाते ये थ्रिलर बना देते हैं कि ये हुआ होगा, ये हुआ था, वो एक तरीके से जो रियलिटी है ना, जो डिवास्टेटिंग चीज़ें हैं जो हुई हैं उस समय में, वो तुम सोचो तुम अभी एक एंटरटेनमेंट के पर्पज से देख रहे हो, बट जो मूवीज के साथ ये बीता हुआ है, जो विक्टिम फैमिलीज के लोग हैं वो जब ये मूवी देखेंगे तो उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा कि सच्चाई जो है वो छुपाई गई। एक तो पहले जगह का नाम बदल दिया, नोएडा से शाहदरा कर दिया, और सेक्टर 31 से सेक्टर 36 कर दिया, जो कि करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें पता है कि कौन सी जगह कहाँ है, बट ये सैड है कि सैड रियलिटी को तुम सामने नहीं दिखा रहे, कितने 36 से ऊपर लोग और आखिर में सजा गया, सिर्फ एक गुनाह के लिए सजा मिली उस बंदे को जिसने इतने सारे बच्चों को मारा, और वो सिर्फ एक गुनाह के लिए सजा मांग रहा, और उसका डेथ पेनल्टी जो थी वो उसको लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि 20 साल की होती है, और उसका जो मालिक था वो 65 की उम्र में अब बाहर घूम रहा है खुलेआम। मूवी को आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि लास्ट में तब जब तुम सोचोगे इस मूवी के बारे में तो तुम्हें जो सैड पार्ट है ना वो ज़्यादा हिट करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंभीर विषय जो कि बात करी जा रही है इस मूवी में, बट क्या वो जस्टिफाई कर पाई अपने सब्सटेंस को, वो तुम मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी न्यूज़ से दुरुस्त रहना, और अपने घर वालों को और खुद को सेफ रखो हर किसी परेशानी से। तब तक के लिए बाय बाय।